जय हिंद दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जेन के यूटी। आप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से न्यू जॉब निकल के आई है, जो कि आपकी 2022 की फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है। और गाइज यहां पे जो फिर से जो एस्पिरेंट्स को यहां पर लड्डू दिया गया है, तो काफी कम पोस्ट है यहाँ पर निकल के आई है 2022 की जो पहली एडवर्टाइजमेंट है। तो आपको आज की वीडियो पूरी जानकारी चाहिए, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा वीडियो में एंड तक बनाए रहे। साथ चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं गाइज, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल JKUT021। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है गाइस, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा अपडेट पे ले चलते हैं गाइस। तो बात करें गाइस यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा एनिमल चीफ हस्बेंडरी का, ठीक है, इसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी डिविजनल कश्मीर के लिए। इसमें जो आपकी पोस्ट रहेंगी टोटल 5 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगी है, बाकी स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट होंगे, रिटर्न के 80, ठीक है गाइस। तो बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट जूनियर असिस्टेंट की अनंतनाग के लिए, जो कि 3 पोस्ट निकल गई सेम एज ए। उसके बाद आप देखते हैं जूनियर असिस्टेंट की सेम वही पोस्ट है, ठीक है, एनिमल चीफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट 3 पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगी सेम वही एज ए क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए कुपवाड़ा के लिए 3 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए पुलवामा के लिए 3 है, श्रीनगर के लिए 3 है जूनियर असिस्टेंट की। देन आगे आप देखते हैं स्कूल एजुकेशन में जूनियर असिस्टेंट की, जो कि गांधरबल में निकल के आई, 6 पोस्ट है टोटल, ठीक है गाइज। आगे आप देखते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, ठीक है, स्कूल एजुकेशन बांडीपुरा में, जो कि 8 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि आपकी यहाँ पे अनंतनाग में 8 पोस्ट निकल के आई है। जूनियर असिस्टेंट की बांडीपुरा में, जो कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में निकल के आई है, देख सकते हैं अभी यहाँ पे 8 इसमें आई है, अनंतनाग में 8 आई है और बांडीपुरा में 6 आई है, ठीक है गाइस। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में जूनियर असिस्टेंट का ऑपरेटर जो है बारामूला में 2 पोस्ट निकल के आई है, ठीक है। तो वैसे ही बात करें यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फिर से वही जो गांधरबल के लिए 8 पोस्ट निकल के आई है, इसमें कुलगाम के लिए 8 पोस्ट है, ठीक है, कुपवाड़ा के लिए भी इसमें 8 है, इसमें भी पुलवामा के लिए 4 पोस्ट निकल के आई है, ठीक है गाइस। आगे बात करें फिर से और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की 6 पोस्ट हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट में जो आपके सेम वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी थी पहले जूनियर असिस्टेंट, इसमें जो कुवाड़ा के लिए आपकी 5 पोस्ट है टोटल, आपकी कोई 39 पोस्ट निकल के आई और आपकी क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी और यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट होना चाहिए और साथ साथ जो 80 पॉइंट्स होंगे आप रिटर्न टेस्ट के होंगे, ठीक है गाइज। तो ये पोस्ट है जो कि 89 पोस्ट निकल के आई है, सिर्फ किन के लिए निकल के आई मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी पोस्ट डिविजन और डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है, ठीक है गाइज, और साथ साथ इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें इन्होंने बोला हुआ है, तो इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो कि यहाँ पे माइग्रेंट होगा, ठीक है, कश्मीरी पंडित तो माइग्रेंट होगा, और जो SRO 412/2009 ऑफ कश्मीरी पंडित होगा, ठीक है, साथ साथ जो SRO 425 ऑफ 2017, ठीक है, वही कैंडिडेट्स में एलिजिबल होंगे। और साथ साथ इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट होगा वो डोमिसाइल होना चाहिए JNKUT का, ठीक है गाइज। तो साथ साथ आप देखते हैं यहाँ पे जो इन्होंने कैटेगराई वाइज बोला हुआ है एज लिमिट, देखते हैं आप, OM के लिए 40 है, SC के लिए 43, ST के लिए 43, RBA के लिए 43, ALC के लिए 43, EWS के लिए 43, PSP के लिए 43, सोशल कास्ट के लिए 43, फिजिकल चैलेंज के लिए 42, एक्स सर्विसमैन के लिए 48, गवर्नमेंट सर्विस जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट उसके लिए 40, ठीक है। तो बाकी आप देखते हैं यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 89 निकल के आई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कब से कब तक, ठीक है, 10 फरवरी 2022 से लेकर स्टार्ट होंगे फॉर्म, उसकी जो लास्ट डेट रहेगी 10 मार्च 2022 रहेगी, ठीक है, 10 फरवरी 2022 से लेकर 10 मार्च 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, साथ साथ इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी मैं आपको बता देता हूँ कितनी है, ठीक है। तो इस बार इनकी जो फीस है बहुत हाई हो गई है, फ़ी जो इनकी 500 हो गई और टोटल यहाँ पे 89 पोस्टें दी गई थी JKSB के द्वारा। यहाँ पे जो प्रीवियस हमने वीडियोज़ बनाई उसमें यहाँ पे जो रेफर की गई थी पोस्टें, तो वो सब देख के हमें लगता नहीं, यहाँ पे जो 18,000, 10,000 या 12,000 जो वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई हैं, टोटल यहाँ पे 89 पोस्ट निकल के आई है। फिर से एक लड्डू दिया गया JNKUT के एस्पिरेंट्स को, और साथ साथ जो फीस देख सकते हैं यहाँ पे 500 कर दी, जो कि यहाँ पे पहले 350 होती थी। JNKUT के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको फिर से एक लड्डू दिया गया है जॉब्स के नाम पर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे बोला जाता है LG द्वारा कि यहाँ पे आपकी 20,000 पोस्ट है, 10,000 पोस्ट है यहाँ पे रेफर कर दी गई JKSB को, बट यहाँ पे जो यहाँ पे 100-150 वैकेंसी जो निकाल रहे हैं, एक तरह से लड्डू दे रहे हैं JNKUT के एस्पिरेंट्स को। तो मैं तो यही बोलूँगा ये कोई गुड न्यूज़ नहीं, यहाँ पे बैड ही न्यूज़ है कि यहाँ पे जो 89 पोस्ट सिर्फ निकल के आई है, और इसमें भी गाइस बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा और 500 फीस रखी गई है इनके द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत बैड न्यूज़ निकल के आई है 2022 की पहली नोटिफिकेशन, और इसमें से आपको 89 पोस्ट देखने को मिलेंगे PM पैकेज जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट है, नॉन माइग्रेंट है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था आज की वीडियो में, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।